आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा को साथ में कौन नहीं देखना चाहता होगा। इस इंडस्ट्री में इन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने जितनी जल्दी अपनी पहचान बनाई है शायद ही आज की डेट में किसी और एक्ट्रेस ने बनाई होगी। वहीं अब लीजिए इन दोनों ही एक्ट्रेस को एक साथ देखने का फैंस का ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। ये तो आप जानते ही होंगे कि बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर SS राजामौली जल्द ही अपनी फिल्म RRR लेकर आने वाले हैं। और खबरों की माने तो SS राजामौली अपनी इस फिल्म में परिणीति और आलिया को कास्ट करने का प्लान बना रहे हैं। और इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर करके दी है। हियरिंग द नेम्स ऑफ आलिया एंड परिणीति चोपड़ा फॉर डायरेक्टर SS राजामौली मैग्नम ओप्स। तो देखा आपने, रमेश बाला के इस ट्वीट को देखने के बाद तो लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि इस फिल्म में साउथ के दो बड़े सुपरस्टार जूनियर NTR और रामचरण लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब ये दोनों एक्टर किसी फिल्म में साथ आ रहे हों। इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म होगी। अब बात करते हैं आलिया और परिणीति के प्रोफेशनल फ्रंट की। तो जहां एक तरफ आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें परिणीति की तो वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म केसरी में नजर आएंगी। जहां आलिया की ब्रह्मास्त्र इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, वहीं परिणीति की केसरी 21 मार्च को रिलीज होगी। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि SS राजामौली की फिल्म RRR में काम करने का ये ऑफर आलिया और परिणीति एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। Education.
तो जो हिंदी में लिखा है सेम And the gold is an Indian gold leaf, 24 karat gold leaf, using a 16th century Western technique to lay the gold onto the leaf. But the gold, when I open the gold, that's why it's like brilliant. It's so beautiful. Yeah, it's so interesting. The texture is so like beautiful. And you know the paper really sits well under the gold. But this I've used lots of gold leaf for lots of people. And I was astonished by this Indian gold leaf. I nearly cried when I was in it. So beautiful. Well, that makes us really happy. So these are three pieces of ohm that he did, and Parav sir went crazy with the ohm, and then Paul went and started like. Not just that, so when you see it, you'll see the frequency, and you'll also see how it's being charted. Then the negative space between these, they all tell a story. So this was something he did. There was a set of three ohms that he did. This is my favorite. Thank you.